हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एलईडी ऑसिलोस्कोप बनाएंगे। ये एलईडी ऑसिलोस्कोप एक प्रोफेशनल ऑसिलोस्कोप जैसा तो नहीं है, मगर इससे हम काफी यूजफुल काम कर सकते हैं। इस ऑसिलोस्कोप की खास बात यह है कि ये बहुत सस्ता है और इसे बनाना भी काफी आसान है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में एक नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रोजेक्ट के सर्किट डायग्राम और डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी बात मुझसे पूछना चाहते हैं या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उसमें सबसे पहली चीज है 103 mm LEDs, 5K वेरिएबल रेजिस्टर, 50K वेरिएबल रेजिस्टर, LM3914 IC, CD4017 IC, 555 टाइमर IC, 0.1 microfarad capacitors, 10K resistors, 2 1K resistors, 10 100 ohm resistors, DC female jack, jumper wires, wearables. सबसे पहले सब LEDs को एक एक करके टेस्ट कर लें। इसके बाद LEDs को एक एक करके वेरोबोर्ड पे कनेक्ट कर लें। LEDs को वेरोबोर्ड पे इस तरह से कनेक्ट करें कि इनकी पॉजिटिव वायर ऊपर और नेगेटिव वायर नीचे की तरफ हो। इसके बाद हम हर रो की पॉजिटिव वायर्स को आपस में जोड़ लेंगे। इसके बाद हर कॉलम के LEDs की नेगेटिव वायर्स को आपस में जोड़ लेंगे। इसके बाद ही हमारा LED मैट्रिक डिस्प्ले तैयार हो गया है। इसमें ये ऊपर वाली जो वायर्स जा रही हैं, ये सारी ये हमारी नेगेटिव वायर्स हैं और जो नीचे से वायर्स जा रही हैं ये हमारी पॉजिटिव वायर्स हैं। तो अब हमें इन सब पॉजिटिव वायर्स के साथ 100 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करना है। चलिए अब इसके साथ 100 ओम के रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर लेते हैं।
इसके साथ ही हमारा डॉट मैट्रिक डिस्प्ले तैयार हो चुका हुआ है। अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। पावर सप्लाई 5 वोल्ट पे सेट है। ये हमारी पॉजिटिव वायर्स हैं रेजिस्टर वाली, एक पॉजिटिव वायर यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं और ये हमारी नेगेटिव। इसके साथ ही हमारा ये 10x10 का LED डॉट मैट्रिक्स तैयार हो चुका है। अब हम इसका बाकी का सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले हम वेरा बोर्ड पे 555 टाइमर IC को लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी पिन नंबर 4 को पिन नंबर 8 के साथ मिला के पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर इसकी पिन नंबर 1 को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसकी पिन नंबर 2 को पिन नंबर 6 के साथ मिला देंगे। इसके बाद 0.1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को 555 टाइमर IC की पिन नंबर 1 और 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद 1K के रेजिस्टर को 555 टाइमर IC की पिन नंबर 6 और 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम वेरा बोर्ड पे CD4017 IC को कनेक्ट करेंगे और इसकी पिन नंबर 8, 15 और 13 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी पिन नंबर 16 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद 555 टाइमर IC की पिन नंबर 3 को CD4017 IC की पिन नंबर 14 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरा बोर्ड पे LM3914 IC को कनेक्ट करेंगे और इसकी पिन नंबर 2, 4 और 8 को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर इसकी पिन नंबर 3 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इसके पिन नंबर 9 को पिन नंबर 11 के साथ मिलाएंगे। फिर इसके पिन नंबर 7 को पिन नंबर 6 के साथ मिला देंगे। We'll be right back.
इसके बाद एक 1K रजिस्टर को वेरोबोर्ड पे इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी एक पिन LM3914 IC की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट हो जाए और इसकी दूसरी पिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद हम 50K वेरिएबल रजिस्टर की पिन नंबर 1 और 2 को आपस में मिला के 555 टाइमर IC की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी पिन नंबर 3 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम 5K वेरिएबल रजिस्टर को वेरोबोर्ड पे इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी सेंटर पिन LM3914 IC की पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट हो जाए और इसकी एक साइड की पिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरोबोर्ड पे एक 10K रजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी एक पिन पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाए और इसकी दूसरी पिन 5K वेरिएबल रजिस्टर की बची हुई पिन के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरोबोर्ड पे 10K के रजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी एक पिन LM3914 IC की पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट हो जाए और इसकी दूसरी पिन को इनपुट सिग्नल के साथ कनेक्ट कर दें। इसके बाद हम सर्किट डायग्राम के हिसाब से LED मैट्रिक्स की नेगेटिव पिन्स को LM3914 IC के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम LED मैट्रिक्स की पॉजिटिव वायर्स को CD4017 IC के साथ कनेक्ट कर देंगे।
इसके साथ ही हमारा सर्किट कंप्लीट है, तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। We'll be right back.